खबरें 3 मिनट में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकों की सफलता आशा जगाने वाली है और हमें कोविड टीकों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित करना होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कई देशों में कोविड के टीके सफलतापूर्वक बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 381,305 लोगों को अब तक लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर भी लगातार बेहतर हो रही है। स्वस्थ होने की दर अब 96.59% हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। पटना में उन्होंने कहा एनडीए के सभी घटक दल मिलकर कर रहे हैं काम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल फागू चौहान से की मुलाकात। गिरती विधि व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को दिया ज्ञापन। प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के सिलसिले में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पटना में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। दरभंगा में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ जिलाधिकारी त्यागराजन ने गुब्बारा उड़ाकर किया। एसएसपी बाबूराम भी हुए शामिल। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का दिया संदेश। बेगूसराय जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ पर निकाली गई जागरूकता रैली। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जागरूकता रथ को किया रवाना। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है कि गृह मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से बंद करने का आदेश जारी किया है। पीआईबी ने ऐसी खबरों को फर्जी बताया है।